तो काफी सुंदर लग रहा है एकदम ना जीवा, लग रहा ना बेटा। फ्रेंड्स स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं मेला जाने के लिए। और दक्ष देखिए आज व्हाइट पे ना, जीवा एक जैसा दोनों पे ना। और जीवा देख सकते हैं रेड कलर का चश्मा लगाई, एकदम ब्यूटीफुल लग रही है जीवा। तुम जीवा दक्ष का चश्मा लगाई। हाँ, दक्ष का चश्मा। और इधर फगुनिया भी तैयार हो चुकी है, आज तो बाल तो पॉप की है भाई। तो चलते हैं अभी हम लोग मेला घूमने के लिए, है कि नहीं? तो चलते हैं फ्रेंड हम लोग मेला भी। जीवा तो फ्रेंड अभी हम लोग इधर से गुजर रहे, SSL NTA है ये हीरापुर का। और काफी अच्छा सजाया गया है, बहुत सुंदर, और हर एक पेड़ में सजाया गया है पूरा अच्छा तरह से। यहाँ रखो, हमारे कंधा पे रख लो, ताकि थोड़ा सा हाथ दिख जाएगा मेरा, नहीं लेना। मेला तो लगता है बहुत आगे। मेला इधर नहीं है, इधर पता है सजाया है। पेड़ कितना खूबसूरत लग रहा है। इस पेड़ में कितना अच्छा लग रहा है ना। पापा तो अभी हम लोग चल रहे हैं पंडाल की ओर। अभी यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा लगभग 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर। जीवा डांस कर रही है, तो अभी चलते हैं हम लोग। टाटा कर दो बेटा। फगुनिया बैठ चुकी है खाने के लिए, क्या खाएगी? छोला भटूरा ना। और दक्ष को हम पकड़ के बैठाए हैं। हाँ तो लो दक्ष को लो, आप भी कुर्सी लगा लीजिए ना सटा। हाँ हम भी लगा लेते हैं। दक्ष कल चलिए फगुनिया के पास, तब तक हम कुर्सी उर्सी लगा के बैठते हैं। तो अभी पहुंच गए हम लोग स्टील गेट का। ये काफ़ी खूबसूरत पंडाल है और अच्छा बनाते हैं पंडाल, इसीलिए हम लोग हमेशा यहाँ पे आते हैं। हम लोग के घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है, और इसीलिए हम लोग फिर भी हम लोग आए हैं। तो चलते हैं सामने से, आपको लोग को दिखाते हैं हम। तो ये रहा पंडाल का नज़ारा। और फगुनिया राखी, तो जीवा उसको खींच करके ले जा रही थी, पता नहीं क्या क्या खरीदे, क्या खरीदेगी पता नहीं जीवा, क्या देखिए और खींच। चलो बेटा सब चीज ले देंगे। तो चलते हैं हम लोग अंदर और मूर्ति दिखाते हैं आपको। काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे है, और उधर देख सकते हैं तारा मोर्चा लगा हुआ है। फगुनिया पता नहीं अंदर फिर चली गई है। काफी खूबसूरत है यहाँ पे। तो पता नहीं फगुनिया किधर खो गए मेले में, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी मैं चलता हूँ बाहर, क्योंकि फगुनिया पता नहीं किधर नजर नहीं आ रही है। तो अभी हम लोग आए थे धनबाद का, ये स्टील गेट का नज़ारा है, और देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है। हमको तो आगे जाने में भी डर लग रहा है। तो फगुनिया को मिल चुका है उनका एक सब्सक्राइबर, जो काफ़ी ज़्यादा वीडियो देखते हैं, और दोनों में बातें चल रही है। और देख सकते हैं जीवा इधर कुछ कुछ खरीदेगी, तो इसको भी खरीद देते हैं। फ्रेंड अभी देख सकते हैं कि फगुनिया और जीवा क्या क्या खरीदारी कर रही है जीवा के लिए, और बहुत सारा सामान इधर लगा हुआ है, और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है। तो देखते हैं इस बार फगुनिया भी क्या लेती है जीवा के लिए, समझ में नहीं आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो
लगता है कि किचन सेट ली है तो पैसा देते हैं तब तक हम दुकानदार को। अभी हम लोग पहुंच गए हैं, ये है डिज्नीलैंड जहाँ पे मेला लगा है वहाँ का पंडाल है, तो चलते हैं अंदर थोड़ा सा दर्शन उर्शन कर लेते हैं। वहाँ पर शांति लग रहा है एकदम, कोई हल्ला उल्ला नहीं है, तो सजावट के मामले में यहाँ भी बहुत ही सुंदर है। तो मैं एक एक करके पूरा धन्यवाद का आपको मैं दिखा रहा हूँ पंडाल। लोग पहुँच गए हैं डिज्नीलैंड मेला, तो अंदर चलते हैं डिज्नीलैंड का एंजॉय लेते हैं। और काफ़ी अच्छा देख सकते हो तारा मची इधर लगा हुआ है, तो शोर तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अभी हम लोग चलते हैं, इन होते हैं। तो अभी आ गए हम लोग अंदर और डिज्नीलैंड मेला, तो सब चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा, इसीलिए मेला स्वदेशी मेला है। बाहर से लोग भी आते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं अच्छे अच्छे देख सकते हैं कुर्सी वगैरह है और ये कालीन वगैरह सब चीज़ अच्छा अच्छा लगा हुआ है। पता नहीं कितने में, मुझे तो अच्छा लग रहा है कालीन वगैरह। तो चलते हैं आगे हम लोग। तो अभी फगुनिया पता नहीं क्या लगे, टैटू छपवा लो। तो आगे अभी चलते हैं हम लोग और घूमते हैं, एंजॉय लेते हैं मेला का। जीवा बहुत छटपटा रही है। इसे स्वदेशी मेला भी कह सकते हैं आप लोग, डिज्नीलैंड है यहाँ पे। देख सकते हैं कपड़ा से लेकर के जूता चप्पल तक सब मिल रहा है। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और फगुनिया अपना आँख उधर जमा रही है। नेकलेस वगैरह सब चीज़ मिल रहा है और फगुनिया के सब्सक्राइबर भी बहुत सारे मिल रहे हैं। तो पता नहीं फगुनिया और कुछ लेगी क्या। तो आगे हम लोग धीरे धीरे चलते हैं, चलो ले देते हैं जीवा के लिए छोटा सा। हाँ ले दो ना, ओए चलो ले देंगे। तो चलते हैं जीवा के लिए कुछ पर्स वगैरह लेते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा पर्स है, तो अभी फगुनिया पर्स वर्स ले रही है जीवा के लिए। काफ़ी मजबूत भी है और देखने में भी खूबसूरत लग रहा है, ऊपर भी ठीक लग रहा है इधर उधर। तो काफ़ी ज़्यादा महंगा भी बोल रहा है, तो चलते हैं कहीं और पे देख लेते हैं हम लोग। तो इधर आईना उना वगैरह सब चीज़ लगा हुआ है। एक बार हम लोग पहले आए थे तो यहाँ पे लॉटरी लगा हुआ था, बुकिंग। और उधर देख सकते हैं झुलवा वगैरह लगा हुआ है। चलो इधर लॉटरी लगा हुआ है, लेकिन खेलते तो हम हैं नहीं, खेलेंगे भी नहीं। तो अभी पता नहीं अब क्या क्या लेगी दुनिया। तो ये रहा आगे का मेला। और देखते हैं यहाँ पे खेलेगी जीवा। तो जीवा चढ़ना चाहती है ये घोड़ा पे, लेकिन पकड़ नहीं पाएगी, हमको पता है ये गिर उड़ जाएगी। तो मत चढ़ाओ, तो बोल रहे कि पूछ रहे, लेकिन हम नहीं चढ़ाएंगे जीवा को। मत चढ़ाओ, और ये रहा 3D शो, थ्री डी शो यहाँ पे है चल रहा है। के साथ अनुभव कीजिए रहस्य की घाटियों से गुजरते हुए। तो भीड़ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो हम लोग निकल रहे हैं थोड़ा सा बाहर, क्योंकि हम लोग पूरा घूर चुके हैं और फगुनिया पीछे है आप देख सकते हैं। तो
तो चलते हैं अभी हम लोग बाहर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात भी हो गया है और दक्ष को अब आ रहा है नींद। तो बाहर निकलने का रास्ता इधर है, तो चलते हैं अभी हम लोग घर। अभी पहुंच गए हम लोग स्टेशन का, ये पंडाल बना हुआ है तो अभी वहीं पहुंचे हम लोग। तो चलते हैं अभी हम लोग बाहर, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी हो रहा है। तो काफ़ी सुंदर लग रहा है एकदम ना जीवा, लग रहा है ना बेटा। तो ये रात का नज़ारा और धनसार का ये खूबसूरत सा पंडाल, जहाँ पे हर एक बार बहुत ही सुंदर पंडाल बनता है। दिन में तो एक बार हम आए, अगले ब्लॉग में आपको दिखाए थे, लेकिन हम लोग आए हैं इस बार रात में और काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो आगे हम लोग चलते हैं। और पता नहीं फगुनिया किधर गई है। मम्मी बेटा, तेरा मम्मी कहाँ चली गई? हाँ फ्रेंड, हम लोग दिन में आए थे लेकिन अब आए हम लोग रात में यहाँ पे। ये धनसार पे खूबसूरत सा एक पंडाल बना हुआ है और काफ़ी मज़ा आ रहा है, एकदम लाल लाल नज़र आ रहा है, बहुत सुंदर। तो ये रहा एक अनोखा सा प्रतिमा, जो जितना भी मैंने पंडाल घुमाया ऐसा प्रतिमा नहीं था कहीं से। तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो अभी हम लोग अंदर से पूरा इधर उधर घूम लिए हैं और देख सकते हैं रात का नज़ारा, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ओए पवनिया, तो पवनिया आगे आगे निकल गए, जल्दी में है लगता है। और ये रहा बड़ा सा एक पंखा। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। अभी हम लोग निकल रहे हैं बाहर, ये बाहर।